लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। अपने आराध्य प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए राम भक्तों का संघर्ष निरंतर जारी रहा। विपक्षी दलों ने अनेकों बार राम कार्य में विघ्न डालने का काम किया। राम भक्तों ने भी अयोध्या में राम लला को प्राण प्रतिष्ठित करने की प्रतिज्ञा ली हुई थी। संघर्ष दिनों दिन बढ़ता जा रहा था और प्रतीक्षा लंबी हो रही थी। विपक्षी दल जब कार सेवा में व्यवधान उत्पन्न करने के बाद भी राम भक्तों के हौसलों को डिगा नहीं पाए तो उन्होंने अपनी कुटिल चालें चलना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने भगवान राम व राम सेतु के अस्तित्व को ही नकार दिया। सुप्रीम कोर्ट में दिए गए एक हलफनामे में कांग्रेस ने करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर प्रहार करते हुए भगवान श्री राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए थे। शपथ पत्र में कांग्रेस की ओर से कहा गया था कि भगवान श्री राम कभी पैदा ही नहीं हुए थे। 5 अगस्त 2020 को लंबे संघर्ष के बाद जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन होना था, तब भी कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने भूमि पूजन पर सवाल उठा दिए थे। ये जो मुहूर्त निकाला गया है, ये मोदी जी की सुविधा अनुसार निकाला गया है। पहले श्री राम मंदिर और फिर भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकार कर कांग्रेस क्या सिद्ध करना चाहती थी, ये देश भली भांति समझ चुका है।